गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 14 चल रहा है, इसके एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा या फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक चाहिए जिसमें मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है ना, मैंने पहले से ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ जाकर के आप लोग ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 14 के नाम से जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पर बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का। उसके बाद वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। यानी कि जो थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, एक जो साइड है ट्रायंगल का वो क्या 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, कितना है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है जो सबसे छोटा वाला साइड है ना उससे। यानी कि मान लो अगर सबसे छोटा वाला साइड अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है तो एक दूसरा वाला जो साइड होगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके अलावा बोल रहा है कि जो थर्ड वाला हमारा साइड है वो 6 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि 6 सेंटीमीटर कम है डबल से स्मॉलेस्ट साइड के। यानी कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट साइड था ना, जैसे 10 सेंटीमीटर मान लो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अपने को पता नहीं कितना स्मॉलेस्ट वाला कितना है, मैं सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उससे क्या है कि जो स्मॉलेस्ट है अगर उसका हम लोग डबल करते हैं, ट्वाइस करते हैं, तो उससे वो 6 सेंटीमीटर छोटा है। तो बताइए कि एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वो तीनों इस जो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है इसका यूज़ करके और एक इक्वेशन बनाएंगे जहाँ से अपने को तीनों साइड पता चले। जब साइड पता चल जाएगा तो हम लोग फिर आराम से हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने को क्वेश्चन में जो भी हिंट दिए हुए हैं वो स्मॉलेस्ट साइड से जुड़ा हुआ है ना। पहला वाला जो अपने को बोला कि जो हमारे पास एक साइड है वो क्या है, स्मॉलेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। फिर एक बार बोला कि जो हमारा स्मॉल दूसरा एक और साइड जो बच रहा है थर्ड साइड, क्योंकि देखो सबसे मान लो ये सबसे छोटा साइड है, इसको मैं मान लो एक्स मान लेता हूँ, तो एक साइड जो है वो स्मॉलेस्ट वाले साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा एक्स प्लस फोर हो जाएगा। फिर एक जो दूसरा वाला साइड बच जा रहा है इसको बोला था कि ये स्मॉलेस्ट वाले साइड से क्या है ट्वाइस का आधा है, यानी ट्वाइस से अगर अपन 6 सेंटीमीटर कम करते हैं तब अपने को थर्ड वाला साइड मिलेगा। मैं एक बार आपको फिर से स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन में। इसमें से बोला गया था कि थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस, यानी जो थर्ड वाला साइड है वो 6 सेंटीमीटर कम है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, यानी स्मॉलेस्ट साइड के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब कि डबल, तो डबल को अपन 2x लिख देते हैं और इसे 6 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये 2x माइनस में x आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो स्मॉलेस्ट साइड अगर अपन उसको x मानते हैं, सो अदर साइड विल बी, अदर साइड्स विल बी, तो जो दूसरे साइड होंगे वो कितना कितना हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा x प्लस फोर, ये भी अपने क्वेश्चन ने बोला था, एंड जो दूसरा वाला साइड होगा, ये एंड है ना ये वाला एंड, दूसरा जो साइड होगा वो मेरा 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में अपने से एक चीज और कहा गया था कि हमारा जो पेरीमीटर है इस वाले ट्रायंगल का वो 50 सेंटीमीटर है, तो हम पेरीमीटर को क्या जानते हैं, पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड को ऐड करने के बाद ही पेरीमीटर मिलता है। यानी कि अगर मैं एक्स में सबसे छोटे वाले साइड में ये वाला जो साइड है एक्स प्लस फोर और उसमें ये 2x माइनस 6, इन तीनों को यानी साइड को अगर मैं ऐड करता हूँ तब जाकर के मेरे को पेरीमीटर मिलेगा जो कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग साइड में लिख भी सकते हो कि हमारा 50 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, अगर एक्स की वैल्यू पता चल गई तो तीनों साइड निकल जाएंगे। तो देखो एक्स एक्स और ये भी यहाँ पर 2x है, तो 2 और 1 3 और ये 1 4, ये 4x हो गया हमारे पास, ये हमारे पास -6 है और प्लस का 4 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा -2 आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 50 है, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में था, तो 50 और 2 52 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू मैं डायरेक्ट 52 लिख देता हूँ। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा सॉरी 52 और ये हमारा 4 चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, 4 1 जा 4, ऊपर में 4 1 जा 4 हो गया, 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर 12 बना देगा, तो 4 3 जा 12, यानी एक्स की जो वैल्यू निकल गई यहाँ से हमारे पास वो निकल गई 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों निकल रहा है पता है ना, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट साइड है फर्स्ट, या फिर इसको हम लोग फर्स्ट साइड ले लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला साइड होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर का, जो हमारा सेकेंड साइड होगा इसको हम लोग या फिर ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है, मान लेंगे क्योंकि हम लोग को बाद में हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसमें ए बी सी नाम ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर सेकेंड जो साइड होगा हमारा वो 13 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एग्जाम में बना रहे हो ना तो पूरा लिखना इस तरीके से कि 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे ना तो एग्जाम में मार्क्स वगैरह टीचर कट कर सकते हैं।
फिर जो थर्ड वाला साइड है वो 2x-6 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 13 से होगा, फिर -6 हो जाएगा, तो 13 2 = 26, 26 में से 6 माइनस हुआ तो 20 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे तीनों साइड, 13, 17 और 20। अब हम लोग लगाते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। यहाँ पर लिखते, पहले तो हीरोन्स के फॉर्मूला के लिए क्या जरूरत पड़ता है अपने को, अपने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 वाले वीडियो में बार बार आपको हीरोन्स का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर चूंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए हीरोन्स चाचा ने एक फॉर्मूला बताया था जो कि बहुत काम का है। इसमें आपको साइड का जरूरत पड़ता है, हाइट का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना रहता है एस, एस और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। फिर होता है एस माइनस ए, ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं। फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी, ठीक है, इस तरीके से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस माइनस ए क्या है, एस माइनस बी क्या है, एस माइनस सी क्या है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये तो फॉर्मूला है, और कभी भी जो एरिया निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ओके, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब होता है आधा, यानी पेरीमीटर अगर हम आपको दिया हुआ है 50, तो 50 का आधा कर दो तो वो हो जाएगा 25, यानी एस की जो वैल्यू है इस कंडीशन में हमारे पास वो है 25 सेंटीमीटर। अब एस माइनस ए क्या है, तो एस माइनस ए का मतलब होता है कि जो सेमी पेरीमीटर आपने निकाला है 25, उसमें से ए माइनस कर दो। ए का मतलब होता है तीनों में से कोई भी साइड, जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो पहला वाला साइड को मैं ए मान लेता हूँ जो कि 13 सेंटीमीटर है, तो 25 में 13 माइनस करूंगा तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा एस माइनस ए का वैल्यू। अब बहुत बार टीचर लोग इसको इसके अंदर पुट करके निकालते हैं, मैं बाहर ही निकाल देता हूँ ताकि इसमें खिचड़ी ना दिखे मुझे अच्छे से, यानी कि खराब ना दिखे, अच्छे से दिखे साफ साफ। फिर एस माइनस बी दूसरे वाले साइड को ले लेते हैं, तो हो जाएगा 25 माइनस में 17, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इधर से 3 और इधर से 5, 8 सेंटीमीटर आ गया इधर से। फिर एस माइनस सी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस में 20 = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, एस था, एस यानी कि 25 मल्टीप्लाई में एस माइनस ए है जो कि हो गया 12, फिर मल्टीप्लाई में एस माइनस बी जो कि 8 और फिर एस माइनस सी यानी कि 5। स्क्वायर यूनिट है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इक्वल जरूर लगा लेना। अब हमारा कौन कौन बाहर निकल रहा है भैया पेयर बना करके, ये तो पेयर बना लेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 12 को अपन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 8 को अपन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं और 5 को 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बाहर निकल रहा है। पहले तो ये 5 का पेयर बाहर निकल गया, निकाल लो। ये 2 का पेयर बाहर निकल गया, बाहर निकाल दो। ये हमारे 2 का पेयर बाहर निकल गया, इसको भी बाहर निकालो। बस क्या गया, ये 3 बच जा रहा है, एक ये 2 और एक ये 5 बच जा रहा है, तो उसको अंदर ही रहने देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बाहर कितना हो गया हमारा, 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 2 जा 20, और रूट के अंदर हमारे पास कितना बच रहा है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 20√30 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा ये इस वाली ट्रायंगल जिसके बारे में अपने क्वेश्चन में 12 में बोला है उसका एरिया होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस कंफ्यूज करने के लिए शुरू में आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा फिरा करके दिए हुए थे, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, ये अपने दिमाग में बना लिया और यहाँ से अगर पेरीमीटर से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 से 11 तक इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया है। ये जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, जो हमारा 13th नंबर का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर आर एस अग्रवाल की बुक में पढ़ रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। तो चूंकि दोनों बुक में ये क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, मैं आपको अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे रीड करने से समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी वाले बुक में, उसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया है, आप वो वीडियो भी जरूर देखना। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक फ्लाई ओवर है उसमें एक साइड में एक तरह का वॉल है जो कि ट्रायंगल के शेप में है, उस वॉल में क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो वॉल के साइड्स हैं वो 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर हैं। अब जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड है वो क्या करता है, अर्न करता है ₹2000 पर मीटर के स्क्वायर एक ईयर में, एक साल में, यानी कि अगर 1 मीटर के स्क्वायर में अगर आप उस फ्लाई ओवर के वॉल में एडवर्टाइजमेंट लगाते हो तो वो आपसे ₹2000 लेगा। ठीक है, अर्न करेगा वो सामने वाला, जिसका भी वो है ना, जो भी कंपनी वगैरह वहाँ पर है जो यूज़ क्या बोलते हैं उस वॉल में एडवर्टाइजमेंट कराने का पैसा लेता है ना, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ₹2000 एक साल में पर मीटर के स्क्वायर का चार्ज करता है, 1 मीटर का स्क्वायर। ओके, वहाँ पर बहुत सारे देखो 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर है, तो एरिया बहुत ज़्यादा निकलेगा, ये केवल अपने को 1 मीटर के स्क्वायर का एरिया का दिया हुआ है 2000। अब अपने को बोल रहा है कि कंपनी आती है और उस वॉल को हायर करती है कि भैया मैं इसमें एडवर्टाइजमेंट करूंगा, और वो कितने दिनों तक करूंगा, मैं 6 मंथ तक करूंगा। तो बताइए कि वो जो है वो कितना रेंट वहाँ पर पे करेगा, यानी कितना पैसा देगा एडवर्टाइजमेंट करने का उस वॉल में। तो इसको मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ, जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है ना, रुको उसको दिखाता हूँ।
तो ये देखो हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.1 दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में क्लास 9 की, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स को आगे पीछे कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको 6 मंथ का पूछा था, इसमें 3 मंथ का दिया हुआ है। तो ये वीडियो भी आप जरूर देख लेना। आपको इस वीडियो का लिंक अगर मैं पॉसिबल होगा तो यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ आपको एनसीईआरटी और आरएसए वाला, दो ही तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी वाले फोल्डर में जा करके चैप्टर 12 में जाना तो ये वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसी टाइप से हमारा एक फ्लाई ओवर है, ठीक है। फ्लाई ओवर के इधर देखो नीचे से एक रोड गुजर रहा है, इस वाले से कार वगैरह जाते हैं, ऊपर से हमारे बस वगैरह जा रहे हैं। ये जो साइड का ये वॉल है ना, इसके बारे में अपने से बात किया जा रहा है। जो आपके बुक में दिया हुआ है उसका 15 है ना, 13, 14 और 15 दिया हुआ है, और इसमें जो हमारे पास था 120, 22 और 122 मीटर का दिया हुआ था, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इसी में एडवर्टाइजमेंट करना है और सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो बस वो देख लेना आप लोग वीडियो। बाकी चलिए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे कि इसका एरिया कितना है, उसके बाद अपने को आसानी से पता चल जाएगा कि कितना वहाँ पर कॉस्ट पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो। साइड ऑफ वॉल्स अपने को दिया हुआ है इतना है, हमने एस की वैल्यू निकाल ली यानी सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर पिछले बार दिया हुआ था, इस बार हमने तीनों को ऐड किया तो पेरीमीटर निकल गया 42। 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21 मीटर जो है वो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकल गया। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के लिए एस माइनस ए का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। तो 21 में से 13 माइनस करेंगे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 13 माइनस करेंगे तो 8, 14 माइनस करेंगे तो 7, 15 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं और एरिया निकाल करके देखते हैं कितना निकलेगा। तो एस की जगह पर 21 लिखो, एस माइनस ए की जगह पर 8, फिर एस माइनस बी की जगह पर 7 और एस माइनस 6 की जगह पर 6, और ये हमारे साथ मीटर में है तो मीटर के स्क्वायर में इस बार एरिया निकलेगा। 21 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, 8 को वही 2 × 2 × 2 कर दो, 7 को तो 7 ही करना पड़ेगा, उसका तो कुछ उपाय है नहीं, और 6 को अपन 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इस बार मेरा 3 और 3 यहाँ से बाहर निकल रहा है, बाहर निकाल लो। 7 और 7 भी 2 हैं तो 7 भी बाहर निकाल लो। 2 और 2 हमारे पास यहाँ भी है, एक तो ये पेयर बाहर निकल जाएगा और एक ये वाला 2 पेयर बना करके ये भी बाहर निकल जाएगा। तो हमारा 7 3 जो हो जाएगा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा हमारा होता है 84, यानी 84 मीटर के स्क्वायर जो है वो उस वॉल का एरिया है, जो ट्रायंगल वाला वॉल था ना साइड में, उसका एरिया इतना है। अब अपने से क्वेश्चन में क्या बताया था कि पर मीटर का स्क्वायर है ना, यहाँ पर आप शॉर्ट में मैं रेंट लिख देता हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट वगैरह बुक से छाप लेना है ना, रेंट 4 पर मीटर का स्क्वायर फॉर 1 ईयर, ठीक है, पर ईयर का दिया हुआ था 1 ईयर का। तो यहाँ पर हमारे पास पर मीटर के स्क्वायर का रेंट दिया हुआ था 2000 रुपये, ओके, रुपये 2000 था। तो हमारे पास टोटल जो एरिया है, देखो ये मैंने बताया ना आपको 1 मीटर के स्क्वायर के लिए इतना रेंट दिया हुआ है, और टोटल जो एरिया है उस बॉल का वो 84 मीटर के स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा जो रेंट होगा, रेंट 4 84 मीटर के स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, तो 1 का दिया हुआ 84 का निकालना है, तो 84 के से मल्टीप्लाई कर दो, तो 84 × 2000 जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 8 × 2 = हमारा 16 हो जाएगा, और ये 3 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि हमारे पास 1,68,000 रुपये जो है इतना रुपये लगेगा 1 साल का एडवर्टाइजमेंट करने का। लेकिन अपने से 1 साल के लिए तो बोला नहीं था, ये मैंने क्या निकाला, 1 साल के लिए निकाला है, हमने से बोला था 6 मंथ के लिए कितना लगेगा। तो 1 साल में जितना लग रहा है उसका आधा होता है 6 मंथ, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होता है और 12 का ही आधा होता है 6। तो यहाँ पर आप लोग लिखो रेंट 4 6 मंथ, सिर्फ शॉर्टकट में, स्टेटमेंट भी ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख करके एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। 6 मंथ का रेंट कितना लगेगा, तो 1,68,000 को डिवाइड दे दो 2 से, आपको पता चल जाएगा कि 6 मंथ का रेंट कितना है। चलो डिवाइड दो और इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि 6 मंथ का जो रेंट है वो कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 14th वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। उसके अलावा बोल रहा है कि जो उसका बेस है, ठीक है, देखो आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, थर्ड वाला जो बेस होता है वो अलग होता है, तो उसका जो बेस है वो 1 एंड 1/2, यानी 1.5 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड। यानी कि मान लो अगर हमारा इक्वल जो साइड है बगल बगल वाली, अगर उसको अपन एक्स ले लेते हैं तो जो बेस होगा वो इसका मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लो 2 टाइम्स देता है, 3 टाइम्स देता है तो 3x हो जाता है, 4 टाइम पे 4x हो जाता है, तो उसी जैसे 1 एंड 1/2 टाइम्स दिया हुआ है तो एक्स का मल्टीपल हम लोग इतना से कर देंगे। अब अपने से क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो लेंथ पता कीजिए कि जो ट्रायंगल के तीनों साइड है उनका लेंथ कितना है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद फिर एरिया पता कीजिए, और उसके बाद फिर पता कीजिए कि जो हाइट होगा उस ट्रायंगल का वो कितना होगा। तो अगर एरिया निकल गया तो हम लोग फिर 1/2 बेस × हाइट वाला फॉर्मूला लगा करके एरिया भी, सॉरी मतलब हाइट भी जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक अपने को हिंट भी दिया हुआ है कि जब आपको √7 का जरूरत पड़ेगा तो वो वैल्यू आप निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, √7 का जो वैल्यू होगा वो 2.64 होगा। ये क्वेश्चन में अपने को हिंट दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर दिया हुआ है ना तो एग्जाम में भी जरूर देगा। ओके, तो चलिए जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करें मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ।
तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारे इक्वल साइड है ट्रायंगल के उसको हमने ए सेंटीमीटर माना है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि जब हमारा फॉर्मूला जो होता है इक्विलेटरल सॉरी आइसोस्केल ट्रायंगल का जिसमें हम लोग एरिया निकालते हैं वहाँ पर बी बाई फोर और रूट के अंदर ए करके दिया रहता है ना, तो ए जो है वही इक्वल साइड है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स मानता हूँ इक्वल साइड को फिर वहाँ पर ए लिखूंगा तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ए मान लिया। आप भी कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, बल्कि बेटर रहता है कि अपन ए मान लें क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला में उस इक्वल साइड का जो नाम रहता है उसको अपन ए देते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वल साइड को ए मान लिया। जैसे ये वाला मान लो साइड ये है और ये भी हमारा ए सेंटीमीटर का है। जो नीचे वाला बेस है हमारा वो क्या था, ए का 1 एंड 1/2 था, यानी इतने टाइम्स था। तो हमें टाइम्स मतलब कितना मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में अगर छोड़ दिया है क्योंकि आपको मैं समझा सकूं कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 2 1 2 और 1 3, पहले इसको जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, उसका तरीका यही है। इसका इसे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है, तो 2 1 2 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3/2 हो गया इसका क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3a/2 आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारा जो है वो बेस है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला था, जो पेरीमीटर है इन तीनों साइड को मिला करके, यानी कि ये वाला ये वाला ये तीनों साइड को जब मिला करके ऐड करेंगे जो पेरीमीटर निकलेगा वो अपने क्वेश्चन में बोला था 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम तीनों को ऐड करते हैं, पहला वाला साइड ए, दूसरा वाला भी साइड ए आएगा कि दोनों इक्वल हैं, और तीसरा वाला साइड 3a/2, इन तीनों को ऐड किए तो हमारा 42 सेंटीमीटर आएगा। ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला था क्योंकि हमारे पास जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से हमारा ऐड करने का तरीका क्या है, इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1 है, तो ही एलसीएम आप सभी कर लोगे तो नीचे में हमारा 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा 1 2 आएगा। ठीक है, और उस 2 का फिर ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे देखो क्या है कि इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 2 1 और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 आएगा। अब रूल क्या है कि जो भी एलसीएम निकलता है उससे नीचे वाले को डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, और उस 2 का फिर ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड दूंगा तो 1 आएगा, और 1 का 3a में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a ही आएगा। ओके, इक्वल टू साइड में 42 सेंटीमीटर। अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं और ये सभी को ऐड कर देते हैं, तो 3 2 हो जाएगा हमारे पास 5, 5 2 हो जाएगा 7, तो 7 ही आ गया इधर। इक्वल टू साइड में 42 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब अपने को तो ए की वैल्यू चाहिए, 7 को भी ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 42 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई में 7, क्योंकि चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है। तो 7 1 7, 7 6 42 और 6 2 12 हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू। तो ए का वैल्यू हमारा 12 निकल गया। ठीक है, 6 2 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि 2 जो हमारी इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो हमारा बेस है थर्ड वाला जो साइड है हमारे पास वो कितना था, तो वो 3a/2 था, यानी कि 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो ए से, और ए का वैल्यू कितना है हमारा 12 है। इसको बस सॉल्व करो आपको बेस पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 2 1 2, 2 6 12 और 6 3 होता है 18, यानी 18 सेंटीमीटर जो है वो बेस की वहाँ पर वैल्यू है। तो ये अपना जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। फर्स्ट साइड भी हमारा 12 सेंटीमीटर है और जो सेकंड साइड वो भी 12 सेंटीमीटर होगा, थर्ड साइड जो है 18 सेंटीमीटर होगा। आप लोग स्टेटमेंट बना करके एग्जाम में लिख लेना, ये पहला चीज़ हो गया क्लियर। अब हम लोग यहाँ से दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं, दूसरा वैल्यू जो कि अपने को बोला है उसका एरिया निकालने के लिए। तो एरिया के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ आइसो स्केल ट्रैंगल, आइसो स्केल्स ट्रायंगल, ठीक है, इसका एरिया निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला अलग से, बाकी आप फिरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है b/4, b यानी कि बेस, फिर रूट में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 4a² और माइनस में b² ठीक है। a मतलब कि यही हमारा इक्वल वाला साइड, तो b की जगह पर आप लोग रख दो 18, 18/4 कर दो, रूट के अंदर में हमारे पास 4 तो यहाँ पर 4 लिखो, फिर मल्टीप्लाई में a² है यानी कि 12² हो जाएगा, उसके बाद माइनस में फिर b² यानी कि फिर हमारे पास 18² हो जाएगा। और ये सभी हमारे पास देखो एरिया निकल रहा है, यानी क्या निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको कट पिट करोगे ना, तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया है ताकि हमारा टाइम वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना निकले। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा 4.5 आ जाएगा, इसको डिवाइड देने के बाद रूट के अंदर 12² का जो हमारा निकलेगा 144, उसे जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आ जाएगा। माइनस कर लो आप लोग यहाँ पर 18² को, तो 18² होता है 300 हमारा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर सॉल्व कर लिया ताकि आपका वीडियो लेंथी ना हो। ये हो जाएगा 4.5, रूट के अंदर हम लोग दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 252 आ जाएगा। अब 252 को रूट से बाहर कैसे निकालना है वही मेरे को आपको मेन समझाना है। तो 252 को आप लोग क्या करो, फैक्टराइज कर लो, 2 1 2, 2 2 4 और फिर 1 आगे जाएगा तो 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से होगा 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से होगा 3 7 21, फिर 7 1 7 होगा। ओके, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
यहाँ से टू का पेयर बन गया, थ्री का बन गया, लेकिन सेवन का पेयर नहीं बना, और इसी वजह से अपने को सेवन के लिए क्या दिया हुआ था, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेवन का जब आपका पेयर नहीं बनेगा ना, तब तो उसका जो वैल्यू है वो 2.64, यही था ना 2.64, हाँ वही दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो वो आप लोग पुट करना। तो देखो 4.5 बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 3, और मल्टीप्लाई में रूट सेवन आएगा, तो रूट सेवन की जगह पर मैं देखो एग्जाम में बनाओगे तो रूट सेवन वाला एक बार लिखना, फिर अगले वाली लाइन में जा करके रूट सेवन का जो वैल्यू दिया वो लिख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रूट सेवन का वैल्यू 2.64 लिख देता हूँ, ठीक है। और जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था मेरा आंसर, 4.5 का मल्टीप्लाई 2, इतना जब मैंने किया था तो 71.28 आया था। तो यहाँ से आपका जो एरिया निकल जाएगा वो 71.28 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका एरिया निकल गया। अब आपसे क्या बोला था कि उसका जो हाइट है वो भी पता कीजिए, तो हाइट निकालने के लिए मैं यहीं पर रफली दम बता देता हूँ आपको, सिंपल एकदम तरीका है। आप लोग क्या करोगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो वही वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे। यहाँ पर आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, और हम लोग पूरा पेज भी वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा पेज यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए पर्याप्त है ये फॉर्मूला, अगर हाइट दिया हुआ है तब, लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है तो ये सब उल्टा सीधा फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो एरिया भी अपने पास दिया हुआ है 71.28, जो कि हमने अभी निकाला, उसके बाद 1/2 है, मल्टीप्लाई बेस भी अपने को पता है 18 सेंटीमीटर था, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट निकालना है तो बाकी सबको ट्रांसफर करके इधर फेंक दो, तो हो जाएगा हमारा 71.28, ये जो हमारा 2 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 तो इधर डिवाइड में आ जाएगा लेकिन 1 को नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन 18 जो मल्टीप्लाई में है वो भी इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास केवल एच बच जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपका आ जाएगा 142.56 डिवाइड बाय में है 18 इक्वल टू एच, और जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करोगे कटपिट करोगे तो आपका जो आंसर है वो 7.92 आकर के रुक जाएगा, और यही आपकी हाइट निकल जाएगी इस क्वेश्चन की, और हाइट है यानी कि हमारा सेंटीमीटर निकलेगा, यानी हाइट इक्वल टू 7.92 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना एरिया है तो बताइए कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो इक्विलेटरल का एरिया अभी तक देखो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आइए मैं आपको जल्दी से फॉर्मूला इसको लर्न करा देता हूँ कि जो इक्विलेटरल का ट्रायंगल होता है हमारा ना, उसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना ईजी रहता है, आइए वो फॉर्मूला समझ लेते हैं और उसके बाद आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और सेम उसी टाइप से अगला भी क्वेश्चन, यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें इसका हाइट पूछ रहा है, तो दोनों सिमिलर बनेंगे, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो ये एकदम इजिएस्ट फॉर्मूला है, बाकी देखो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वो तो फॉर्मूला है ही किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, उसके बाद हीरोन्स का फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर शॉर्टकट में निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए आपका तुरंत एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपने को देखो एरिया तो दिया हुआ है, अपने को क्या करना है, यहाँ से साइड निकालना, अगर साइड निकल गया तो पेरीमीटर आसानी से बता सकते हैं अपन। तो कैसे साइड निकालेंगे वो समझो, अपने को एरिया कितना दिया हुआ था, तो वो दिया हुआ था अपने को 36√3 था, इतना ही था ना, कहाँ गया, हाँ 36√3 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इतना अपने को क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, और इक्वल टू साइड में हमारे पास ये फॉर्मूला है एरिया का, 3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस जो एरिया वाला पार्ट था उसके जगह पर एरिया जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब अपने को साइड निकालना है तो बाकी सबको उठा करके इधर फेंक दो, 36√3 जो है वो रहेगा, 4 इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, और जो 3 था रूट में हमारा ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हमारे पास और इक्वल के साइड, इस साइड में हमारे पास साइड का स्क्वायर तो बचा ही हुआ है, तो इसको मैं साइड का स्क्वायर लिख देता हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 36 से जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 6 = 24 का 4 कैरी हो गया 2, 4 3 = 12 और 2 = 24, सॉरी 12 = 14, एक सेकेंड, तो 144 जो है हमारा आंसर निकल कर के आ रहा है साइड का स्क्वायर का। अपने को साइड का स्क्वायर नहीं चाहिए ना, अपने को साइड चाहिए, तो साइड निकालने क्या करेंगे, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, और स्क्वायर इधर आएगा तो इसको रूट में ले लेगा 144 भी, इस तरीके से इक्वल को साइड में केवल हमारे पास साइड बच जाएगा, और रूट से निकलने के लिए इसको पेयर बनाना पड़ता है। तो 144 देखो आप क्लास 9 में पहुंच गए, आपको पता ही है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, यानी जब हम लोग 12 × 12 करते हैं ना तब जाकर के हमारा 144 बनता है, तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइड कितना निकल जाएगा, साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर से 12 का पेयर बन के बाहर निकलेगा, तो 12 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से साइड निकल गया, ओके। तो एक साइड हमारा 12 सेंटीमीटर है, हमको क्या बोला था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों के तीनों जो साइड होंगे आपस में इक्वल होंगे, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, इसका मतलब कि अगर पेरीमीटर निकालना है तो मैं यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं 12 + 12 + 12 इस तरीके से 3 बार 12 12 प्लस करूंगा तो पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीनों क्या है, इक्वल साइड है, और पेरीमीटर का मतलब ही होता है तीनों साइड का सम, ठीक है। या फिर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 12 × 3 भी कर सकता हूँ, 12 + 12 + 12 करने से अच्छा, तो 12 × 3 जो हो जाएगा मेरा 36 सेंटीमीटर, और यही हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखा कितना सिंपल था, ये जो सिमिलर क्वेश्चन है अगला वाला उसे भी सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास 16th वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है वो है 81√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग पहले तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। पिछले बार मैंने क्या किया था, इसके बदले में एरिया लिख लिया था, इधर फॉर्मूला लिखा था, इस बार मैं इसके बदले में क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। मैथ को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। मल्टीप्लाई हमारा साइड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू साइड में 81√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस बार अपने को ना हाइट निकालना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। देखो जितने भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, वो आपकी बुक जो आप जब स्टार्ट करोगे ना चैप्टर नंबर 14, तो वहीं पर जहाँ पर हीरोइन चाचा का फोटो बना हुआ है ना, उसी पेज में, पेज नंबर 56 में, सॉरी 516 में आपको वहाँ पर दिया हुआ है पूरे के पूरे फॉर्मूलाज। तो वहीं से मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ, आप लोग अगर रिविजन करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अपने को तो यहाँ से साइड निकालना है, तो वैसे ही काम करेंगे, सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये साइड का स्क्वायर आ जाएगा इधर इक्वल टू साइड में 81√3 हमारे पास 3, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो 4 था वो चला जाएगा ऊपर, और √3 आ जाएगा नीचे। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 81 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 324, ठीक है, 324। और ये भी हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास ये साइड का स्क्वायर, ध्यान रखना ना, ये साइड का स्क्वायर निकाले हम लोग, और ये इधर हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर में है। अब अपने को तो साइड चाहिए, तो स्क्वायर को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पर जो 324 है ये होता है 18 का स्क्वायर। 18 मल्टीप्लाई जब 18 करते हैं तो 324 आता है। आप कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, आपका मैथ जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे टेबल याद करने से मैथ ईजी हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, तो उसी तरीके से स्क्वायर याद कर लो, नहीं तो यहाँ पर अभी आप लोग फैक्टराइज कर करके सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दोगे, ठीक है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ से साइड निकलेगा वो 18 सेंटीमीटर बन करके निकलेगा। ये 18 बन जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक साइड निकल गया। अब हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हाइट निकालना है तो लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना है, सिंपल अपने को क्या करना है, √3 बाई में 2 करो और मल्टीप्लाई कर दो उसका साइड से। बस यही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी आपको इस वाले पेज नंबर में दिया हुआ है, √3 बाई 2 मल्टीप्लाई साइड, एरिया में √3 बाई 4 साइड का स्क्वायर, हाइट में √3 बाई 2 बस साइड है। यहाँ से भी 2 कम हो गया यहाँ पर देखो, और यहाँ से भी 2 कम हो गया, 4 से 2 कम होकर 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो इसको ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। तो हाइट निकालने के लिए बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका √3 डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई साइड, हमारे कितना निकला अभी 18 सेंटीमीटर निकला है। तो ये हो जाएगा 2 1 जाए 2 2 9 जाए 18, तो बस हाइट यहाँ से कितना निकल गया 9, और ये √3, तो 9√3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हाइट निकल गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व करना था। चलिए तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो ये जो 17 वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड अपने को दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर के हैं। पहले आपको फाइंड करना है एरिया करेक्ट अप टू, है ना, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी जो एरिया निकालोगे तो उसमें डेसिमल में बहुत ज़्यादा एरिया निकलेगा, तो आपको केवल उसके जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, केवल वही बताने रहेंगे। ओके, और जो सेकेंड चीज़ है हमारा, वो आपको हाइट बताना है ट्रायंगल का, और वो भी जो है हमारे पास 2 प्लेसेस तक, यानी ये डेसिमल के बाद जो 2 प्लेस होंगे उतने ही तक बताना है। जैसे √3 का यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा, तो √3 का जो वैल्यू है वो अपने को दे दिया है 1.732, ये आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। चलिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे एरिया निकालना है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पहले तो फॉर्मूला लिख लेना कि जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो √3 बाई 4 साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा साइड जो है वो 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग √3 का भी वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1.732, ठीक है, ये हमारा काम बहुत आसान कर दिया इतना दे करके, डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई में 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। तो पहले आप क्या करो, ऐसे यहाँ पर कट भी कर सकते हो, 4 और 64 कैसे कट कर लो डायरेक्ट, और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर कट कर लेना। तो मैंने यहाँ पर जल्दीबाजी में पहले मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे आसान तो यही है कि पहले आप कट कर लो और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना, तो वो आपको छोटा पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या किया था कि पहले मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों का, तो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 पॉइंट, अच्छा यहीं पे लिखा हुआ, अच्छा लिख ही देता हूँ, चलो 848, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको हम जब 4 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.712, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आ रहे हैं, तो आप क्या करो कि इसको राउंड ऑफ करो, ये देखो कि जो सेकंड प्लेस है उसके बाद जो नंबर है ना वो 5 या 5 से ज़्यादा है क्या, तो बिल्कुल नहीं, वो तो 5 से कम है। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट 27.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया निकला है तो वो स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में इसलिए किया है ताकि हमारा वीडियो लेंथी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। दूसरा जो अपने को बोला था हाइट निकालने के लिए, तो हाइट के लिए हम लोग को पता ही है √3 बाई 2 करना रहता है, और साइड को भी बस स्क्वायर को साइड कर देते हैं। तो यहाँ भी √3 की जगह पर 1.732 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो साइड है इस बार हमारे पास 8 दिया हुआ तो 8 हो जाएगा। इसमें मैंने वही गड़बड़ी किया है कि पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो आसान यही पड़ेगा कि 2 1 जाए 2 2 4 जाए 8 करो और 4 जो है उसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप लोग मैं जैसे मल्टीप्लाई मान लो कर लेते हो तो आपका जो आंसर है वो 13.8856 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.928,
ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट निकला तो सेंटीमीटर में निकलेगा। अब देखो कि जो हमारा दो प्लेस है, अपने को दो प्लेस तक ही आंसर लिखने हैं, तो अब ये देखो कि इसके बाद का जो प्लेस है वो 5 से ज़्यादा है क्या? तो बिल्कुल 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसको अगले वाले डिजिट में प्रमोट कर देते हैं, यानी ये 6.93 कहलाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा 5 से कम रहता तो ये 2 का 2 ही रहता, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है तो ये हमारा, या फिर अगर 5 भी रहता यहाँ पर ना, तो भी हमारा ये क्या जाता, राउंड ऑफ होकर के नेक्स्ट डिजिट में चला जाता, तो 6.93 सेंटीमीटर जो होगा वो उसका हाइट निकल जाएगा। तो देखा कितना सिंपल है क्वेश्चन, सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आपको ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 18th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 9 सेंटीमीटर, यानी इस बार अपने को हाइट दे दिया गया है, बताइए कि उसका एरिया कितना होगा, और ये भी अपने को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बताने हैं। यहाँ पर भी आपको √3 का जो वैल्यू है वो इतना लिखना है। चलिए कैसे सॉल्व करना जल्दी समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, हाइट का हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, हाइट से तो मतलब है नहीं, अगर अपने को एरिया निकालना है तो साइड की जरूरत पड़ेगी, तो साइड के लिए अपन हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि होता है √3/2 मल्टीप्लाई में साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अपने को साइड चाहिए तो सभी को उठाकर इधर ट्रांसफर कर दो, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 2 रूट में डिवाइड बाई में हमारा 3 हो जाएगा, ये वाला ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 9 2 जो होता है 18 बाई में √3, और ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा एरिया, जो कि साइड है, क्योंकि हाइट भी हमारा सेंटीमीटर में था, तो इतना हमारे पास साइड निकल करके आ गया। अब आप लोग क्या करो, यहाँ से इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है हमारा √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर है, तो 18 मल्टीप्लाई √3, और फिर 18 मल्टीप्लाई √3, सॉरी डिवाइड बाई √3, दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर करने से अच्छा है कि दो बार लिख लो डायरेक्ट, तो उससे √3 से √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब हमारे ऊपर में कितना गया, 9 9 जा 81 आ गया, नीचे में हमारे पास √3 है, √3 का वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है, तो 81 डिवाइड बाय, मैं वो वैल्यू लिख लेता हूँ, 1.732। ओके, अब इसको कैसे डिवाइड देना है वो समझो, हमारे पास डेसिमल वाला नंबर नीचे में है ना, तो नीचे वाला नंबर को डेसिमल में रहता है, तो उसको डिवाइड देना बड़ा ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आप लोग क्या करोगे कि डेसिमल को बाहर निकालने के लिए देखोगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो 81 मल्टीप्लाई में 1000 ऊपर भी कर दो, और नीचे में 1.732 हमारे पास है उसका भी मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, तो ऊपर में हमारे पास 81000 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास 1732 आ जाएगा, इस तरीके से। अब जब आप इसको कट करोगे, डिवाइड दोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो 46.76 इसी टाइप से कुछ आने वाला था, हाँ 46.766 इतना आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो बुक में आंसर दिया हुआ था, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये तो मेरा 46.7, और ये 6 के बाद ये देखो यहाँ पर भी एक 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इसको मुझे 7 लिखना पड़ेगा, लेकिन आपके जो बुक में दिया हुआ है मेरे हिसाब से 46.76 दिया हुआ है, मैं बस चेक कर लेता हूँ कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 18 का, हाँ वही दिया हुआ था, 76 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद अगर हमारे पास लास्ट वाला डिजिट आगे पीछे होता भी है तो भी वो गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना √3 वगैरह का वैल्यू, तो ये कभी भी पूरा का पूरा वैल्यू एग्जैक्ट नहीं रहता है, कभी भी √3 का जो ये वैल्यू जो हमको दिया हुआ है ना, ये भी एक तरह से अप्रॉक्स वैल्यू ही है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग अगर 46.77 भी लिखते हो अगर एग्जाम में इसका आंसर, तो भी आपको गलत नहीं कहलाएगा, वो भी बिल्कुल सही कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट देखो डिवाइड वगैरह मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो लेंथी ना हो, आप लोगों को डिवाइड करना अच्छे से आता है, सिंपल जो तरीका होता है डिवाइड करने का वही वाला मेथड यूज करना कर सकते हो। बाकी हाँ, इस वाले क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से जो हम लोग हर का परिमेयीकरण करना सीखे थे ना, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करना, इसको हम लोग क्या तो बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, नहीं याद दिलाना, तो मुझे उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग उसको हिंदी में जब मैं पढ़ता था तो उसे हर का परिमेयीकरण बोलते थे, उसका मतलब क्या होता है ये समझो, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा 18 डिवाइड बाई में √3 आ गया है ना, तो इसी को √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता था इस तरीके से, √3 मल्टीप्लाई √3। ये क्या कॉल आ रहा है, एक सेकेंड चला जाओ ऊपर, ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता था। तो इसको आप मुझे इंग्लिश में याद दिला देना कमेंट बॉक्स में कि इसको क्या कहा जाता है, बाकी इसको हिंदी में हर का परिमेयीकरण बोलते थे, ठीक है। तो 18 थोड़ा सॉल्व हो गया, ये जो अगला क्वेश्चन 19th नंबर का उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 19th नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बोल रहा है कि द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दे दिया गया है और उसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो भी दे दी गई है। जैसे मान लो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका बेस ये नीचे वाला साइड को बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा ही। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितनी है, वो है 50 सेंटीमीटर, तो बताइए कि उसका एरिया कितना होगा। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पहले तो आप इसकी हाइट निकाल लो, हाइट निकालने के बाद अपने पास तीनों साइड हो जाएंगे, तो आप हीरोन्स के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो अब देखो हमारे पास ये राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो हाइट जो होती है वो अगर वो निकल गई हमारे पास, तो वो हमारा साइड का भी काम करता है और हाइट का भी काम करता है। तो अगर हाइट निकल गया है तो हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है वो निकाल लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, एक राइट एंगल और ट्रायंगल, जिसके हाइपेटेन्यूज मैंने लिख लिया 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो बेस है वो 48 सेंटीमीटर है, बेस और हाइपेटेन्यूज। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइपेटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपेटेन्यूज को मैं एच वाई लिख देता हूँ, तो जो हाइपेटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो हमेशा इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के और प्लस में हाइट के स्क्वायर के, ठीक है, हाइट का स्क्वायर। ये हमारा रूल उन्होंने बताया था कि जो हाइपेटेन्यूज होता है उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो वो इक्वल हो जाएगा बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। इसी को आप लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, कभी आप लोग नाम दे देते हो ए बी सी, तो वहाँ से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर ऐसे भी पढ़ रखे हो, तो ये इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है। तो हाइपेटेन्यूज यानी कि 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये अपने को 50 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में बेस का स्क्वायर कितना है भैया। अच्छा एक काम करते हैं, अपन पहले फॉर्मूला ही बना लेते हैं, अपने को क्या चाहिए, इसका हाइट चाहिए ना, तो इसको बेस की तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा हाइपेटन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। अब अपने को हाइट का स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को हाइट चाहिए, तो स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा हमारे रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपेटन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हाइट का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन गया। अब सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लो, तो हाइपेटन्यूज कितना हमारे पास 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है, तो बेस है 48, तो 48 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट। 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500, फिर माइनस में 48 का स्क्वायर होता है 2304, ये सब आप लोग सॉल्व करके निकाल लेना। इक्वल टू साइड में हमारे पास हाइट बच जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196 इज इक्वल टू हाइट। 196 जो होता है वो होता है 14 का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 14 × 14 इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ से हाइट कितनी निकल गई, हाइट निकल गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सभी क्या में थे सेंटीमीटर में थे, तो ये हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। अब हमारा हाइट निकल गया है तो एरिया निकालने के लिए बहुत आसान है, हम लोग वो बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 × बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि अपने पास दोनों चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस हमारे पास 48 था, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 14 आ गया। चलो तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। अब 7 का 48 से आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका जो हाइट है वो कितना सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सॉरी हाइट बोल रहा हूँ एरिया, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। अब कितना आएगा जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 20th नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसमें जो शेडेड रीजन यानी ये जो ब्लैक ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसका अपने को एरिया निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम क्या करें, पूरा कंप्लीट जो हमारा ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लें, और अंदर में जो छोटा सा ट्रायंगल हमारे पास जो राइट एंगल का ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर बॉक्स बना है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो राइट एंगल का ट्रायंगल है इसका इसका एरिया कंप्लीट वाले का और इसका एरिया निकाल लें, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कंप्लीट वाले में से जो ये व्हाइट वाला का माइनस हो जाएगा, तो जो ब्लैक वाला बच जाएगा वही उसका एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन का। तो अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो कि हमारे पास ये जो राइट एंगल का ट्रायंगल है इसमें ये वाली जो मेरी साइड है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बेस ले लूँ और इसको हाइट ले लूँ, किसी को भी आप ले सकते हो दोनों साइड से हमारा, जैसे मान लो इसको बेस ले लेते हैं, आपके साइड से भी वीडियो में आप देख रहे हो तो ये आपको बेस दिख रहा होगा, तो इसको बेस ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर को हाइट ले लेते हैं, तो ये मेरा क्या होगा इधर वाला हाइपेटन्यूज हो जाएगा। तो हाइपेटन्यूज हम लोग फिर वही पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, और अगर ये वाला मेरी साइड निकल गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो अपन आसानी से देखो राइट एंगल और ट्रायंगल है तो बेस मल्टीप्लाई हाइट वाले फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, और साथ ही साथ हाइपेटन्यूज वाला जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है उससे अपन क्या करेंगे हाइपेटन्यूज को निकाल लेंगे, यानी ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद अगर मेरा ए बी मिल गया तो बी सी और ए सी तो दिया ही हुआ है, तो तीनों का यूज़ करके फिर हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो भले थोड़ा सा लेंदी बनेगा लेकिन सॉल्व आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पूरी चीज़ें यहाँ पर सिंपल तरीके से दी हुई हैं। चलिए कैसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी मैं वो कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड है इसी को निकाल लेते हैं, काम हमारा वहीं से आसान हो जाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल ए बी और डी है, ठीक है, यहाँ पर डी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो ए बी डी जो हमारा पॉइंट है इसमें हमारे पास ये हाइपेटन्यूज, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो मेरा राइट एंगल का ट्रायंगल इसमें पाइथागोरस का जब थ्योरम लगाएंगे तो हाइपेटन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी के स्क्वायर के, यानी हाइट और बेस के स्क्वायर के, ये हमारा क्या बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस में बी डी यानी कि 16 का स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर में ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 और हमारे पास 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास ए बी जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो ये दोनों पहले तो ऐड कर लेता हूँ मैं और फिर उसको स्क्वायर रूट ट्रांसफर करके डायरेक्ट रूट में डाल देता हूँ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से 100 और 200 300 हो जाएगा, 56 और 44 हो जाएगा 400,
तो टोटल 400 आ गया, यानी कि हमारा 20 × 20 बनकर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो ए बी की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी, यानी ये जो मेरी साइड है ना इधर वाली, ये 20 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा छोटा वाला ट्रायंगल है ई बी डी, इसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी जो हमारा ट्रायंगल, इसका एरिया के लिए सबसे पहले तो वही हमारा फॉर्मूला 1/2 × बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये हमारा आसान फॉर्मूला है, बेस और हाइट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, बेस में मान लो मैं 16 ले लेता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर 12 भी लिखोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, चिंता मत करना, और मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 कर लेते हैं, 2 8 जो हमारा 16 हो जाएगा, फिर 12 8 जो हमारा 96 हो जाएगा, यानी 96 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो निकल गया एरिया हमारा ये छोटे वाले ट्रायंगल का। अब हम लोग एरिया निकालते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना है, और ये देखो ये मेरा शेडेड रीजन है ना, मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक नहीं किया है कॉपी गंदा करने की वजह से, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको बना दिया। अपने को यही वाला जो खाली इलाका है इसको एरिया निकालना है। तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब तीनों साइड दिए हुए हैं और ये राइट एंगल का ट्रायंगल है नहीं, तो बेस और हाइट का वहाँ पर फॉर्मूला लग नहीं सकता। हम लोग लगाएंगे यहाँ पर हीरोज का फॉर्मूला, उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगा एस का। तो पहले तो अपन एस निकाल लेते हैं। तो एस के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 20 × 52 × 48, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि ये तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 52 48 हो जाएगा 100, और 20 120 / 2 = 60, यानी 60 सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर निकल गया हमारे, सॉरी सेमी पेरीमीटर निकल गया ये बड़े बड़े ट्रायंगल का। अब एस माइनस ए वगैरह भी यहीं पर निकाल लेता हूँ, मेरे को वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना। तो देखो जल्दी से मैंने यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की भी वैल्यू निकाल ली, जो अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा एरिया निकालने में। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल का सिंबल बनाता हूँ, ये मेरा एक तरह से एरिया का सिंबल होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो एस की जगह पर मैं लगता हूँ 60, एस माइनस ए की जगह पर 40, एस माइनस बी की जगह पर 8 और एस माइनस सी की जगह पर हमारा 12, और एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 60 को देखो 12 भी है 60 भी है, तो मैं क्या करता हूँ 60 को 12 × 5 कर देता हूँ, 12 × 5 = 60 होता है। उसके अलावा मैं 40 को क्या कर सकता हूँ, 8 × 5 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से 8 है मेरे पास, और 8 की जगह पर 8 रहने देता हूँ, 12 की जगह पर 12 रहने देता हूँ। इससे फायदा ये हुआ कि 12 12 का पेयर बन गया मेरा, 12 बाहर निकल जाएगा, 5 5 का पेयर बना 5 बाहर निकल जाएगा, 8 और 8 का पेयर बना 8 बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 8 5 = 40, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, और वो जीरो जो है उतर जाएगा 40 वाला। तो 480 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे शॉर्टकट में कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो हमारे पास शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले थे, तो बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस करने वाले थे, यानी कि एरिया ऑफ जो हमने भी ए बी सी निकाला है ट्रायंगल का, उसके माइनस करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को। तो ए बी सी हमारा ट्रायंगल का एरिया है 480, माइनस में इसको कर दो 96। अब जल्दी से इतना काम तो आप खुद ही से कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो और मेरी तपस्या का फल दे दो कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, माइनस करके जल्दी से मुझे इसका जो एरिया बता दीजिए। चलिए अभी इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जिंदाबाद, उनका लिंक भी आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू वंस अगेन।